हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप सिंह एंड यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके राइट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? ऑप्शन दिए गए हैं हैजा, प्रतिशियाए, चेचक या फिर शीत ज्वर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। निम्न में से हैजा जल संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? ऑप्शन दिए गए हैं सूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री या फिर असूत्री। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, मसूरी, देहरादून या फिर नैनीताल। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। नपुंसकता या बंध्यता विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सिनेगाग, फाइबर टेंपल, गुरुद्वारा या फिर चैत्य। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेगोग। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिन का ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन दिए गए हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को 90 दिन का ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं विलियम गोड, एडम स्मिथ, स्वामीनाथन या फिर सुब्रमण्यम। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम गोड। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गोड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल जीके राइट को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।